हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। तो हम लोग देख रहे थे प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, और उस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने अभी तक देख रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, देन फिस्कल पॉलिसी, फिर हम लोगों ने बैंकिंग देख लिया था, और लास्ट क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हमारा टैक्सेशन का टॉपिक। तो टैक्सेशन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग देख रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी हैं। देखने से पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग भी नए हैं उनके लिए दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स को रेज करने के लिए, या फिर अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए। इसके अलावा दीज आर आवर वेल अवेलेबल कोर्सेस, जो प्रिलिम्स के भी कोर्सेज और मेंस के भी कोर्सेज है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दी हुई है। तो अगर आपको जरूरत होती है तो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस सीरीज। इसके अलावा फॉर योर बेटर प्रिपरेशन वी हैव लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज, फॉर दैट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। अब देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो बेसिकली पहले टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था, मेथड ऑफ टैक्सेशन देखा था, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे टैक्सेशन के क्या गुड प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं। फिर इसके बाद से हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में देखा था क्या क्या चीजें आती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, और फिर हम लोग जीएसटी के कुछ डिटेल्स वगैरह देखना शुरू कर दिया था। तो हम लोगों ने डिटेल्स देख लिए थे जीएसटी के। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जीएसटी के बाद से, वो आता है हमारा क्या चीज, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या चीज होता है। सपोज कि कोई एक कंपनी है या कोई एक इंडिविजुअल है, कंपनी भी ले लेते हैं, मान लेते हैं इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को लेकर के चलते हैं, कंपनी वैसे ही बहुत बदनाम हो चुकी है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा बंदा है, सपोज इसकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए है, और अगर ये 9.5 लाख होती, अगर 9.5 लाख होती, तो इस पे जो टैक्स अमाउंट टोटल बैठता, मान लेते हैं कि वो टोटल अमाउंट जो है टोटल 30,000 बैठ रहा है, और अगर जैसे ही 10 लाख हो जा रहा है वैसे ही इनका अमाउंट 50,000 हो जा रहा है। तो अब ये क्या कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से अपनी इनकम को 50,000 कम दिखाए, किसी भी तरीके से, इससे इसको 20,000 का टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा है। तो ये कोशिश करेगा हमेशा 50,000 रुपए चोरी करने की, किसी भी तरीके से इधर उधर करने की कोशिश करेगा। इस इधर उधर करने को ही बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस, जहां पे आप कुछ मेजर्स के जरिए, कुछ लूप होल्स के जरिए टैक्स को अवॉइड कर जाते हैं। सिमिलरली कंपनी भी सेम काम कर रही होती है, और कंपनी के पास तो कई सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। तो हम लोग वही सारे मेजर्स देखेंगे कि क्या तरीके अपनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा, किस तरीके से टैक्स को अवॉइड किया जाता है, जिसके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। तो टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली मीन्स मेकिंग यूज ऑफ लूप होल्स इन द टैक्स लॉस टू वंस ओन एडवांटेज टू रिड्यूस टैक्स बर्डन। क्लियर? ऑल्दो टैक्स अवॉइडेंस इज 100% लीगल, क्यों? क्योंकि आपने लूप होल ढूंढा है, आपने अपनी होशियारी दिखाई है, आपने कहीं पर भी कोई मतलब अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के नहीं काम किया, आपने क्या है कि अपनी समझदारी दिखाई है, आप कितना अच्छे से लॉ को जानते हैं उसके बारे में बताया है। इस टैक्स अवॉइडेंस में एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, टैक्स इवेजन इन्वॉल्व ब्रेकिंग द लॉ, ये लॉ ब्रेक करता है और इस तरीके से वो टैक्स नहीं पे करता है। इट इज अ मेथड बाय विच अ पर्सन इलीगली रिड्यूसेस हिज टैक्स बर्डन बाय ईदर डिफ्लेटिंग देयर इनकम और इन्फ्लेटिंग देयर एक्सपेंसेस। अब ये क्या चीज है, ध्यान से सुनते हैं, और यहां से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि जितनी भी ओवरसीज कंपनी है वो किस तरीके से काम कर रही होती है, ओवरसीज कंपनीज। अब इस ओवरसीज कंपनीज में नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं अमेजोन का एग्जाम्पल, ठीक है। अमेजन का ऑफिस यूएस में है, ठीक है, लेकिन अमेजन के हर एक इलाके में अपनी खुद की सब्सिडियरी कंपनीज हैं। जैसे जो इंडिया में कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है, amazon.in, ये हमारी amazon.in हो जाती है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कोई साउथ कोरिया में है तो इसकी कंपनी, इसकी क्या हो जाएगी, amazon.sk। रशिया की कोई मान लेते हैं तो रशिया में अगर कोई सब्सिडियरी है तो ये क्या बन जाएगी, amazon.ru। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सब्सिडियरीज वगैरह हो सकती हैं, बट यही पेरेंट कंपनी है, ये एक अमेजन की कंपनी पेरेंट कंपनी हो जाती है, मेन कंपनी हो जाती है। अब क्या है कि इंडिया में जब भी कोई कंपनी वर्क कर रही होगी तो इनका इंडिया में प्रॉफिट काउंट हुआ जाएगा, तो इंडिया के टैक्स लॉस के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। सिमिलरली साउथ कोरिया में साउथ कोरिया के टैक्स लॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा, सिमिलरली रशिया में रशिया के टैक्स लॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा।
अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जो यूएस में टैक्स लॉ होगा वही टैक्स लॉ जो होता है इन कंट्रीज में भी हो, डिफरेंट हो सकता है और इनफैक्ट डिफरेंट होता है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी कोई सब्सिडियरी कंपनी होती है वो कंपनी कभी भी अपने आप को कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं करती है, कंपनी एक्ट जो 2013 की है उसमें कभी भी रजिस्टर नहीं करती है। क्यों रजिस्टर नहीं करती है, क्योंकि दिस इज अ सब्सिडियरी कंपनी और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अमेजन की कंपनी है। इसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके की कंपनी को एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ये ओवरसीज कंपनीज हो जाती हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ के टैक्स लॉ का मतलब ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट का आपको एक परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट टैक्स या प्रॉफिट गेन टैक्स, प्रॉफिट गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब कंपनी कैसे अपने आप को बचाएगी, कैसे जो होता है इस तरीके की चीजों को रोकेगी, छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लेते हैं मोबाइल फोन का सपोज जो होता है वन प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं वन प्लस है, अब ये वन प्लस की जो अमेजन पे सेल हो रही होती है वन प्लस की कीमत मान लेते हैं कि 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपीज, ठीक है। अब अमेजन यूएस से जब भी कोई चीज दिखाएगा, मान लेते हैं 50,000 का कोई एक मोबाइल निकाल करके आया और 50,000 से आया यहां पर ये 60,000 में बिक रहा है, इसकी एमआरपी कितनी है 50,000, 10,000 रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, तो 10,000 रुपए पे क्या लगेगा इनका टैक्स। मान लेते हैं 10% टैक्स है तो टोटल मार करके इनका 10,000 पे 10% 1,000 रुपए इनका चला गया टैक्स में, ठीक। यानी कि अगर 100 फोन इन लोगों ने वन प्लस के बेचे तो 100% श्योर है कि ये 1,00,000 रुपए इनका टैक्स बन गया, 1,00,000 टैक्स बन गया। इंडिया में टैक्स हैवी है 10% मान लेते हैं, हालांकि 25% के नियर अबाउट में लगता है, तो इनका टैक्स जो होता है वो हैवी है। अब कंपनी कोशिश करेगी क्या, ये जो 10,000 रुपए प्रॉफिट है ये कितना हम कम कर सके। क्लियर। अब ये क्या कंपनी करेगी, 50,000 का कोई आइटम जो यहां पर है, जो 50,000 का आइटम है वो एक्चुअल में क्या करेगी, यहां पर दिखाएगी कि ये 58,000 का है, 58,000 का है और हम लोग 60,000 में बेच रहे हैं। नाउ वी आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ ओनली कितना, 2,000 रुपए का हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। जो 10,000 रुपए प्रॉफिट थी वो घट करके 2,000 रुपए पे आ गई है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, एक्सपेंस आपने दिखा दिया कि इन्होंने एक्सपेंस काफी ज्यादा कर दिया है, इन्फ्लेट कर दिया बेसिकली प्राइस को। अब 2,000 रुपए आ गए, 2,000 में अब 100 फोन्स अगर मान लेते हैं कि अगर ये बेच लेते हैं तो अब ये जो टोटल जो अभी तक बिल बनता वो बनता अब कितना, 20,000 का केवल और केवल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने टैक्स अवॉइड कितना कर दिया, इन्होंने टैक्स अवॉइड कर दिया है टोटल मार करके 80,000 का और ये हो गई है टैक्स की चोरी। इसी को बोलते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, ये टैक्स इवेजन। क्लियर। तो ये चीज यहां पर बोलता है कि इवेजन इज अ मेथड बाय विच अ पर्सन इलीगली, इसने इलीगल काम यूज किया है बिकॉज ही हैज इन्फ्लेटेड द प्राइस, जो भी उसकी प्राइस थी उसको गलत तरीके से दिखाया गया है और इस तरीके से रिड्यूसेस हिज टैक्स बर्डन बाय ईदर डिफ्लेटिंग देयर इनकम, या तो अपनी इनकम को डिफ्लेट करके दिखा रहे होंगे या फिर इन्फ्लेटिंग देयर एक्सपेंसेस, यानी या फिर अपनी इन्फ्लेट करने एक्सपेंसेस को। क्लियर हो गया क्या चीज है, किस तरीके से कंपनी करती है, ये तरीका अपनाया जाता है कंपनीज के द्वारा। नंबर ऑफ चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से ओवरसीज कंपनीज एमएनसी कंपनी किस तरीके से लूप होल निकालती है और कंट्री के टैक्स को अवॉइड करती है। नेक्स्ट होता है टैक्स प्लानिंग। व्हाट इज दिस टैक्स प्लानिंग, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब जैसे मान लेते हैं कि दिस इज यू और आपकी मान लेते हैं इनकम जो होता है टोटल मार्कर के 12,00,000 रुपीज है, 12,00,000, ठीक है। 12,00,000 में मान लेते हैं कि आपको जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 1,00,000 रुपए बनती है एनुअल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपकी अगर इनकम 10,00,000 रुपए केवल होती तो आपका जो टैक्स बनता मान लेते हैं वो 60,000 ही केवल बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके से अपना ये जो 2,00,000 रुपए है वो किसी तरीके से एग्जेम्प्ट कराने की कोशिश करेंगे और जिससे कि आपको टोटल 40,000 का टैक्स बेनिफिट मिल जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सी चीजें निकालती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अपनी ये पूरी अमाउंट को इस पूरे अमाउंट के टैक्स से बचा सकते हैं। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने टैक्स की प्लानिंग किया।
आपने तरीके निकाले कि किस किस तरीके से हम टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सैलरी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि इट इज द आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्लियर? तो ये तरीका अपनाया जाता है कंपनीज के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के द्वारा, इस तरीके से ये लोग अपना टैक्स बचा रहे होते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस व्हिच कैन बी यूज्ड बाय अ पर्सन टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी लाइक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, सेविंग सर्टिफिकेट्स, पीएम रिलीफ केयर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ चीजें गवर्नमेंट निकालती है जिसके थ्रू आप अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, कई सारी चीजें हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए और उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। हम लोग थोड़े से और अवॉइडेंस का पहले केस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक काफी क्लैरिटी हो जाए। हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा चीजें आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे एक केस तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पर ये अपने एक्सपेंसेस को या फिर अपने इनकम को ये मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली क्या होता है टैक्स में ये लोग अवॉइड कर देते हैं, टैक्स अवॉइड कर देते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कैपिटल गेन से बचने के लिए, कैपिटल गेन से बचने के लिए ये लोग टैक्स हेवन कंट्रीज को खोजते हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज। अब ये क्या चीज है टैक्स हेवन कंट्रीज? जैसे क्या है कि इंडिया है, इंडिया में क्या है कि यू आर यूजिंग अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज विच आर बीइंग गिवन बाय दिस इंडियन गवर्नमेंट, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फिर उसके बाद लैंड हो गया, नंबर ऑफ चीजें होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है और ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स वसूल रही होती है अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कैपिटल गेन हो गया या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फ्रिंज टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, नंबर ऑफ टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही होती है। छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा वोडाफोन का। वोडाफोन का केस आप लोगों ने सुना भी होगा, रिट्रोस्पेक्टिव केस है, काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। जैसे क्या होता है वोडाफोन की कंपनी आने से पहले जब 2000 के दौरान में, 2000 हम लोगों को 1991 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी ले आ दी थी। एलपीजी पॉलिसी ले आने के बाद हम लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया था, अपना कह लीजिए फॉरेन सेक्टर ओपन कर दिया था। 2000 के नियर अबाउट में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर काफी ज्यादा कंपिटिटिव हो गया था, टेलीकॉम सेक्टर ये काफी ज्यादा कंपिटिटिव हो गया। क्लियर? अब ये कंपिटिटिव होने के कारण से क्या हुआ था कि प्रेजेंट उस समय एसआर कंपनी थी जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करती थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन, और ये कंपनी कहां की थी, ये कंपनी थी गल्फ की, गल्फ की कंपनी, अरेबियन पेनिनसुला की कंपनी थी, एसआर, एससे नहीं एसआर थी, ठीक है, आर। इस कंपनी ने क्या किया, मौके का फायदा उठाया और इसने जो टेलीकॉम कंपनी के या फिर टेलीकॉम के जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग हो रही थी उस स्पेक्ट्रम को इसने खरीद लिया। खरीद लेने से अब क्या होगा, ये कंपनी अब टेलीकॉम सेक्टर में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर में पहुंच जाएगी। इनफैक्ट जब सबसे पहले एसआर का या फिर कैसे वोडाफोन का सीमा आया था, वोडाफोन से पहले हच हुआ करता था, हच से पहले एसआर ही हुआ करता था अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि एसआर ने बेसिकली स्पेक्ट्रम खरीदा था। लेकिन एसआर कंपनी ये तो बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं है इनके कि टेलीकॉम सेक्टर में वापस आए। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअल में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि इनको पता था कि आज की डेट में अगर हम ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कल की डेट में बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आएंगे एंड हम लोग एक बढ़िया एग्रीमेंट कर सकते हैं, बढ़िया बेनिफिट कमा सकते हैं, काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सही सोचा था एसआर कंपनी ने और इनको एसआर कंपनी ने जैसे ही स्पेक्ट्रम खरीदा विद इन अ ईयर जापान की कंपनी है जिसका नाम है हचिसन ने क्या किया, कहा कि यार देखो ऐसा है एसआर कि मिलकर के काम करते हैं, कोलैब कर लो, कोलैबोरेशन कर लो या फिर मुझे अपनी कंपनी बेच दो। एसआर ने कहा देखो ऐसा है, अगर मैं स्पेक्ट्रम को इंडिया में सेल करूंगा तो मेरा भी लॉस है, आपका भी लॉस है। क्यों लॉस है, क्योंकि इंडिया में लगता है कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इन्होंने कहा क्या किया जाए हचिसन ने कहा क्या किया जाए, एसआर ने कहा कि एक काम करो, अगर ये सारा का सारा काम हम लोग इंडिया के धरती पर करेंगे तो इंडिया वाला हमसे टैक्स वसूल लेगा, एक काम करते हैं चलिए आइए हम लोग चलते हैं जरा मॉरिशस चलिए, वहां पर मैं एक काम करता हूं, अपनी एक कंपनी बनाता हूं जिसका नाम रहेगा सब्सिडियरी कंपनी। एक मैंने सब्सिडियरी कंपनी बनाई, मतलब ये कंपनी बनाई गई एसआर के द्वारा
यहां पर ये एसआर के द्वारा कंपनी बनाई गई एसआर, और मान लेते हैं सब्सिडियरी कंपनी का नाम है कुछ बी, ठीक है। मॉरिशस में क्या है कि ये टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन का मतलब हो गया कि यहां पर जो टैक्सेस लगते हैं कंपनी के ऊपर में या तो बहुत कम होते हैं या फिर निल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं। हचिसन ने भी क्या किया कि इसी मॉरिशस में आकर के अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाता है और सब्सिडियरी कंपनी का नाम रखता है सी। क्लियर, सब्सिडियरी कंपनी है, सीधी सी बात है इसके जो शेयर्स हैं बेसिकली वो हचिसन के शेयर्स हैं, और सब्सिडियरी कंपनी बी के जो शेयर्स हैं बेसिकली वो एसआर के शेयर्स हैं। हचिसन क्या है कि हचिसन अगर अपने इस स्पेक्ट्रम को बेचना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि एसआर में जो शेयर्स हैं उसमें से 51% या उससे ऊपर के शेयर वो हचिसन को बेच दे, देन ओनली ही कैन, दिस कंपनी कैन परचेज दिस स्पेक्ट्रम ऑन अनदर सॉइल। हुआ क्या, जो सी कंपनी है सब्सिडियरी, इसमें हचिसन ने 51% स्टेक्स खरीद लिए। खरीद क्या लिए, वो दिखाने के लिए था, एक्चुअल में तो उन्हीं की सब्सिडियरी थी। सी कंपनी और बी कंपनी दोनों के दोनों कहां पर है, मॉरिशस में। सी कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं इस शेयर्स का 51% स्टेक खरीद लिया इन लोगों ने। जैसे ही 51% स्टेक खरीदा, बी की ओनरशिप चली गई किसके पास, सी के पास, और बी की ओनरशिप एक्चुअल में किसके पास थी, एसआर के पास। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का फिगर हुआ, ये एसआर है, एसआर की कंपनी है बी, और ये हमारी यहां पर हचिसन की कंपनी है जिसकी कंपनी है सी। सी ने बी पर टेक ओवर कर लिया, और बी पे जैसे ही टेक ओवर किया वैसे ही एसआर पे टेक ओवर कर लिया किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो बेसिकली इसने इसको कवर कर लिया, लेकिन सी किसकी पेरेंट कंपनी है, सी पे ओनरशिप किसकी है, हचिसन की है। तो बेसिकली हचिसन ने एसआर को ही टेक ओवर कर लिया, कहां पर, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन ये टेक ओवर अगर किया गया, ये तो इंटरनेशनल टेक ओवर है, ये तो इंटरनेशनल टेक ओवर है। इंटरनेशनल टेक ओवर का मतलब है कि अब इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना पड़ेगा, यानी कि अगर इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो कुछ भी एसआर ने काम किया हुआ है, अब आगे से जो नाम होगा वो एसआर नहीं, अब हो जाएगा वो हचिसन के नाम पे, हचिसन के नाम पे। तो अब ऑयल एक्सप्लोरेशन हो चाहे वो स्पेक्ट्रम, सारा का सारा किसके पास चला गया, हचिसन के पास चला गया। अब ये जो अगले दिन से जो लोग भी एसआर का सिम लगा के रखे होंगे, 24 घंटे बाद तुरंत उनके मोबाइल फोन पे क्या अब शो करना शुरू कर देगा, हच। अब ये सिम हो गई हच की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा कुछ देखा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हक्का बक्का रह गई, इनको पता ही नहीं चला कि भाई क्या हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली कैपिटल गेन हुआ तो हुआ, लेकिन कैपिटल गेन पता नहीं चल पाया कैसे हो गया। तो ये लूप होल का सहारा लिया गया था, क्योंकि यहां पर कंपनी बाहर कहीं पर भी अगर अपने स्टेक्स में लेन देन कर रही है और उसके कारण से ओनरशिप अगर चेंज हो जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में इंडिया में कोई लॉ नहीं है। तो यहां पर लॉ का लूप होल यूज किया गया, और इस लूप होल के जरिए यहां पर ओनरशिप चेंज कर दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम हक्का बक्का रह गई। सिमिलर काम किया गया हचिसन और वोडाफोन में, वोडाफोन कंपनी है नीदरलैंड की, अगेन ये नीदरलैंड भी जो होती है एक टैक्स हेवन कंट्री है। सिमिलर काम किया गया, और इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम पहले हचिसन के पास था वो कन्वर्ट होकर के चला गया अब फाइनली वोडाफोन के पास। सेम काम किया गया जैसे एसआर और हचिसन ने मिलकर किया है, सेम वही वोडाफोन और हचिसन ने मिलकर के किया। एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार में तो समझ नहीं पाई कि ये बूझो तो जाने हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन दूसरी बार गवर्नमेंट ने कहा इस बार हम बूझो तो जाने नहीं खेलेंगे, इस बार हम छुपा छुपी खेलेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केस फाइल कर दिया महाराष्ट्र हाईकोर्ट में। क्लियर, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जैसे ही गया मामला, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये तो हमारे साथ छलावा हुआ है, जो कंपनीज है वो हमारे साथ खेल जा रही है, हमारे लॉ के साथ खेल जा रही है, या तो हम लगातार लॉ में चेंज करते रहे या कंपनी को एथिकल होना पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो हाईकोर्ट थी उसने कहा कि देखो ऐसा है, हम लोग लॉ के बेसिस पे चलते हैं, हम लोग इमोशनल नहीं होते हैं, और वोडाफोन कहीं से भी गलत नहीं है, वोडाफोन ने लॉ का वायलेशन नहीं किया है, वोडाफोन ने अपनी दिमाग का यूज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा कुछ बोल रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अपने आर्टिकल नंबर 22 का यूज किया, आर्टिकल नंबर 20 का यूज किया, और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो,
क्या चीज होती है, पता नहीं क्या होती है, छोड़ दीजिए आप लोग, अभी जब मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होती है। जब भी कोई चीज पुराने डेट से लागू हो रही होती है तो उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, और ये सिविलियन केस में बिल्कुल लागू होती है, जैसे टैक्स का केस हो गया बिल्कुल लागू होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा चलो ठीक है लॉ नहीं, हम लॉ बना देते हैं, लॉ इन्होंने बना दिया, और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन से कैपिटल गेन टैक्स वसूलने वापस से चली जाती है। वोडाफोन कहता है ये तो हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तुम यार कभी भी लॉ चेंज कर दोगे और हमको फंसा दोगे, हम तो दिमाग लगाए थे, आप बोल रहे हैं कि अब हम पेनालाइज करेंगे, ये गलत बात है। वोडाफोन चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वोडाफोन कुछ भी हो नीदरलैंड की कंपनी है, अब वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट भी वो नीदरलैंड की कंपनी मान करके ही एक्शन लिया, और वोडाफोन को यह कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारे लॉ में ऐसा दिया गया है कि रिट्रोस्पेक्टिव लॉ लगाया जा सकता है, नाउ यू हैव टू पे द पेनाल्टी फी। पेनाल्टी फी अल्टीमेटली जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनको मतलब कि वोडाफोन को देनी पड़ गई, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये केस सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर एक सिस्टम निकल करके आ गया कि किस तरीके से टैक्स हेवन कंट्री का यूज करके कैपिटल गेन टैक्स से बचा जा सकता है। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। क्लियर हो गया? तो टैक्स अवॉइडेंस हम लोगों ने एक तो तरीका देख लिया जहां पर इनकम एक्सपेंडिचर को मॉडिफाई किया जाता है, दूसरा हम लोगों ने देख लिया जहां पर कैपिटल गेन टैक्स या फिर टैक्स हेवन कंट्री का यूज कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स ले लिया जिसके कारण से कंपनी को आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग ऊपर जाए और टैक्स अवॉइडेंस को भी कम किया जा सके। इस सिलसिले में पहला कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट निकाला जिसका नाम है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये क्या चीज है इसको भी ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या होती है कि कंपनी जो है वो दो तरीके से पिस रही होती है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी है कोई और जापान की कंपनी है, मान लेते हैं कि एलजी है, सपोज एलजी है साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी अब क्या है, साउथ कोरिया में तो काम कर ही रही है, साउथ कोरिया के अलावा इन्होंने अपनी एक सब्सिडियरी इंडिया में भी खोल रखी है, सब्सिडियरी इंडिया LG.in, ठीक है, इन्होंने LG.in यहां पर खोल रखी हुई है। अब मान लीजिए एलजी कोई भी बिजनेस करेगी, इसकी सब्सिडियरी कहां कहां क्या क्या है, सारा का सारा बिजनेस ही तो है। तो अब क्या हुआ, इनकी सब्सिडियरी अपनी प्रॉफिट कमाए या फिर ये खुद प्रॉफिट कमाए, बात तो एक ही है क्योंकि अल्टीमेटली इनकी सब्सिडियरी से मिलकर के ही तो आखिर में कंपनी बनी है। तो हम मान लेते हैं कि अलग अलग, जैसे एलजी में भी अलग अलग है, सेल्स हो गया, चाहे एलजी केमिकल हो गया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नंबर ऑफ मतलब एलजी के ही सब्सिडियरीज हो रखे हैं। तो यहां पर जो साउथ कोरिया है ये कहा कि यार ऐसा है जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका टैक्स देते रहना। अब कंपनी एलजी ओवरऑल जो बड़ी कंपनी एलजी है जिसके सारे सब्सिडियरी से या तो ये प्रॉफिट कमाए या फिर सब्सिडियरी प्रॉफिट कमाए, बात तो एक ही है, सब्सिडियरी प्रॉफिट कमाएंगे तो भी ये प्रॉफिट जाएगा और अल्टीमेटली इस प्रॉफिट पे भी टैक्स लग जाएगा। तो एलजी पर एक टैक्स लग गया जो साउथ कोरिया लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इंडिया में काम कर रही है ये एलजी केम, सपोज ये एलजी केम है और इसने अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट कमाया तो इनसे कहा गया, इंडियन की गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसका टैक्स दो। अब ये एलजी वाले बेचारे मुंह देखते रह गए, ये कहे कि यार हम इधर भी टैक्स देंगे, हम इधर भी टैक्स दें, हम टैक्स दे कहां कहां पे, हम तो कमा ही नहीं पा रहे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला बात तो तुम्हारी सही है यार, तुम्हारे साथ तो धोखा हो रहा है। तो इंडिया की गवर्नमेंट और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट दोनों जो है वो एक साथ आई, एक प्लेटफॉर्म पे आई और दोनों लोगों ने कहा कि देखो यार तुम्हारी कंपनी एक एलजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत सब चीज बढ़िया है, लेकिन क्या है यार तुम भी इससे टैक्स ले ले रहे हो, हम भी टैक्स ले रहे हैं, कंपनी बेचारी जो होती है वो बेवकूफ बन जा रही है। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि अब क्या करें, इन्हीं ने कहा कि देखो ऐसा है हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और हम लोग ये जो डबल टैक्स हो रहा है, यहां पर भी टैक्स हो रहा है और यहां पर भी टैक्स हो रहा है, या तो आप अपना टैक्स काट दीजिए लेना या हम अपना टैक्स काट देंगे लेना, यानी ये कंपनी या तो केवल आपको ही टैक्स दे रही होगी या तो हमें ही टैक्स दे रही होगी। इन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना काट दो हम ले लेते हैं। इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे को तैसा, अगर आपकी कंपनी हमारे यहां पे काम कर रही है तो हम नहीं लेंगे और हमारी कंपनी अगर आपके यहां काम कर रही होगी तो आप नहीं लेंगे। ये बेचारे फिर से मुंह देखते रह गए, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है ठीक है चलो। तो इस तरीके से डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये सामने आया। समझ में आया डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब एक ही कंपनी पे दो बार टैक्स लगता है तो उसको डबल टैक्स बोलते हैं, और उस चीज को जब हम रिड्यूस करके एक ही जगह पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट। क्लियर? बारे में इसके देख लेते हैं क्या चीज है।
तो DTAA इज रिफर्ड एज ट्रैक्स ट्रीटी और बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन, जैसे कि इंडिया और साउथ कोरिया, that aims to avoid or eliminate double taxation of the same income in two country. एक ही कंपनी का दो अलग अलग कंट्री में जो इनकम हो रहा है उस पर जो डबल टैक्स लग जा रहा था उसके बारे में. इंडिया ने 84 नेशन के साथ में DTAA साइन करके रखा हुआ, इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया हमारे ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. क्लियर हो गया. अब देखिए, हम लोगों ने जब इनडायरेक्ट टैक्स बात किया था लास्ट क्लास में, तो इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया जिसका नाम था MAT. इसको मैंने बोला था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है. अब जैसे देखिए, एक कंपनी है, फॉरेन क्यों चाहे इंडिया क्यों, कोई मैटर नहीं करता. इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस किया. बिजनेस करने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया. लेकिन इन्होंने क्या किया, टैक्स को अवॉइडेंस के तरीके से इधर उधर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इधर उधर कर दिया ताकि टैक्स ना देना पड़े. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखी, कही कि यार ये तो कंपनी जो होती है वो इधर उधर अपना जो प्रॉफिट है वो डाइवर्ट कर दे रही है कंपनीज को. फिर जो होता है, जो रिवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो IRS वगैरह लोग हैं, पहुंचे कंपनी में, कहे कि यार ठीक है अपना डेटा बुक दिखा दीजिए. तो इन्होंने क्या, अपना पूरा का पूरा डेटा बुक दिखा दिया. IRS लोग जो होता है वो फिर से हक्का बक्का, यार ये लोग तो बिल्कुल सही है, लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है. तो कंपनी फिर क्या है, जीरो टैक्स लायबिलिटी में आ गई, जीरो टैक्स बेस में आ गई. तो यहां से इंडिया की कंपनी ने बोला कि देखो ऐसा है, आप चाहे जीरो टैक्स बनिए, प्रॉफिट चुराइए, अवॉइड करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको एक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा. और इसी को बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जहां पर आप कुछ भी करिए, आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, दिमाग लगा रहे हो या बेवकूफी कर रहे हो, आपको एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना ही पड़ेगा. इसी को बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में होता है. क्लियर हुआ क्या चीज है. अब देखिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की एक जबरदस्ती है, इंडियन गवर्नमेंट की एक जबरदस्ती है. तो जब भी इस जबरदस्ती को कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में निगोशिएट किया जाएगा, तो इसके बाद से क्या होगा कि अगेन कंपनी कुछ ना कुछ फिर से चोरी करना शुरू कर देगी. अब चोरी करेगी तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी यार, फिर लफड़ेबाजी होगी. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी वो आ जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी, कहेगी यार देखो ऐसा है, आ जाओ थोड़ा सा मीटिंग करना है. कंपनी वाले आए, गवर्नमेंट आए, कहे कि यार देखो तुम टैक्स की चोरी कर देते हो. कंपनी बोली दिखा दो हमको. इन्होंने कहा कि यार तुम हमारे लॉ के साथ खेल जा रहे हो. कंपनी ने बोला तो उसमें हम क्या करें, आप ऐसा लॉ बना ही रहे हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम एक काम करो, कंपनी वाले एक काम करो, तुम ही बता दो कि एक साल में तुम कितना टैक्स दोगे, जितना भी बोल दोगे, उसके बाद हम लोग आपके कंपनी में अपने ऑफिसर्स कभी नहीं भेजेंगे कि जाओ जरा देखाओ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है क्या, ठीक है. तो कंपनी बोली यार वाह, सुनहरा मौका आया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां से फायदे में यहां पर भी रहेगी, क्योंकि कंपनी पे कितना मेजर आप लगा पाएंगे, कंपनी है, नए नए इंटेलिजेंसिया को, नए नए चीजों को हायर कर सकती है. कल को ऑफिसर जो होते हैं, IRS ऑफिसर जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, कंपनी कह देगी हम 1 करोड़ रुपए देंगे IRS ऑफिसर्स को, IRS ऑफिसर आप लोग वहां पर अपना जो होता है रेजिग्नेशन दीजिए और आइए हमारे कंपनी में काम कर लीजिए. IRS ऑफिसर जो होते हैं कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करके क्या फायदा, दिन रात काम करना भी पड़ रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, और अगर कुछ ऊपर नीचे करते भी हैं तो नप जा रहे हैं, चलो कंपनी में ही चलते हैं, कम से कम 1 करोड़ रुपए दिएगा. तो अब कंपनी वाला कहेगा कि यार देखो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कैसे करना है, और इस तरीके से अवॉइड भी कर जाएंगे. तो कंपनी अल्टीमेट, देखिए प्राइवेट कंपनी हमेशा फायदे में रहेगी, उसके पास साम दाम दंड भेद सब होता है. तो कंपनी कहेगी यार बहुत बढ़िया मौका है, कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट भी हार मान जाएगी कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा है ये जो बोलेंगे वही कर लेंगे. तो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा जिसके थ्रू बता दिया जाएगा, कंपनी बता देगी कि हम कितना टैक्स पे करेंगे, और यही होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APAs, जहां पर पहले ही कंपनी बता देती है कि हम कितना आपको टैक्स देंगे, उसके आगे आप कोई भी चिल्लपो मत मचाइएगा. क्लियर हो गया. एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली फॉर मल्टीपल ईयर्स बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड एटलीस्ट वन टैक्स अथॉरिटी स्पेसिफाइंग द प्राइसिंग मेथड दैट टैक्स पेयर विल अप्लाई टू इट्स रिलेटेड कंपनी ट्रांजेक्शन. APA गिव सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर्स, रिड्यूस डिस्प्यूट्स, टैक्स अवॉइड, टैक्स अवॉइडेंस. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो APA के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी.
इसके बाद होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, 2017 से यह लागू कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2017। यहां पर क्या है, यहां पर केस यह है कि कुछ कंपनी होती हैं जो जबरदस्ती चोरी कर रही होती है, जबरदस्ती अवॉइडेंस कर रही होती है टैक्स का। इसमें क्या होती है कि ये लॉ के साथ तो चल रहे होते हैं, मतलब लूप होल निकाल निकाल के चल रहे होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको किसी प्रकार का लेवरेज नहीं देती है। मतलब जैसे यहां पर एपीए का एक लेवरेज हो गया या डीटीएए का लेवरेज हो गया, तो ये सब इनको लेवरेज नहीं दिया जाता है, ये अलग कंपनीज होती हैं। तो जो कंपनी इस तरीके की चोरी करती है उस कंपनी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गार निकाल के रखा है, मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल निकाल के रखा है कि इफ इन केस इंडियन गवर्नमेंट फाउंड कि आप टैक्स की लायबिलिटी को, टैक्स की लूपहोल्स निकाल करके चोरी कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन टेक सर्टेन मेजर्स कि आपने एंटी अवॉइडेंस किया है, मतलब आपने कोई टैक्स अवॉइड किया है, और उसके काउंटर में हम लोग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के तहत हम लोग आप पे एक्शन ले सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली जनरल रूल्स, ये एक जनरल रूल है जिसके थ्रू जो मतलब कंट्री है वो कंपनी पे एक्शन ले रही होती है। क्लियर। तो गार यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ब्रॉड रूल्स विच आर बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल टू चेक द पोटेंशियल अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इन जनरल। द गवर्नमेंट सेट अप ए पैनल अंडर पार्थास्वामी शोम कमेटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पार्थास्वामी शोम कमेटी टू रिव्यू द प्रपोजल विद रिगार्ड टू गार। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब इसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा जिसका नाम है BEPS, BEPS, इसी को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। जो हम लोगों ने वोडाफोन कंपनी के बारे में बात किया, वोडाफोन के लिए इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले एसआर ने अपना मतलब स्पेक्ट्रम खरीदा था, इस स्पेक्ट्रम को बेच दिया गया था किसको, हचिसन को, और हचिसन ने कोई भी टैक्स वगैरह नहीं दिया था, प्रॉफिट गेन हुआ लेकिन टैक्स नहीं दिया गया। सिमिलरली हचिसन के द्वारा फिर मतलब हचिसन खरीद लिया गया था वोडाफोन के द्वारा, अब वोडाफोन ने फिर से अगेन प्रॉफिट गेन नहीं किया, प्रॉफिट वगैरह में बनाया लेकिन इस तरीके से अवॉइड कर गया। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हुआ था जहां पर इन सारी कंपनीज ने टैक्स हेवन कंट्री का इस्तेमाल किया और इस तरीके से प्रॉफिट जो कैपिटल गेन है उस कैपिटल गेन को अवॉइड कर गया, मतलब कैपिटल गेन के जो टैक्स है उसको अवॉइड कर ले गए। इस पूरे सिस्टम को, ये जो भी सिस्टम यहां पर जो एंटी अवॉइडेंस हुआ है, मतलब जो भी टैक्स अवॉइडेंस हुआ है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। जहां पर किया क्या गया है कि यहां पर कैपिटल गेन जो टैक्स था, जो बेस था, उसको इरोड किया गया है और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपस में शेयर कर लिया गया है। तो दिस इज हाउ द BEPS इज बी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। सारा देखिए एक ही साथ लिंक है, बस क्या है अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो BEPS रिफर्स टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी, दोनों कंपनी ने मिलकर किया था टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी दैट एक्सप्लॉइट गैप एंड मिसमैच इन टैक्स रूल्स टू आर्टिफिशियली शिफ्ट प्रॉफिट टू लो और नो टैक्स लोकेशंस या फिर टैक्स हेवन कंट्री वेयर देयर इज लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ओईसीडी और G20 कंट्रीज है अलॉन्ग विद द डेवलपिंग कंट्री दैट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ BEPS पैकेज आर एस्टैब्लिशिंग अ मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स फ्रेमवर्क अंडर विच प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वैल्यू अकर, मतलब क्रिएशन अकर। तो इस तरीके से चीजें यूज की जाती हैं बाकी कंट्री के साथ मिल करके, ये कहा जाता है कि यार देखो कुछ भी कर लो, ये BEPS वाली चीज को हमें रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा जो होता है वो डाइवर्ट होकर के वापस से कंट्री में आ जाता है। हम लोग बात करेंगे जब ओवरसीज मार्केट के बारे में बात करेंगे तो पी नोट के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने पनामा की कंट्री में या फिर मॉरिशस में कहीं और ने क्या हुआ है कि जो सब्सिडियरी कंपनी ने बी, मान लेते हैं कि कोई भी वोडाफोन की कंपनी है और वोडाफोन ने अपनी एक सब्सिडियरी खोल के रखी है मॉरिशस में बी, तो यहां पर इन्होंने कैपिटल गेन कर लिया लेकिन पैसा तो अभी भी मॉरिशस वाली गवर्नमेंट के पास है, लाना इनको वोडाफोन में है, जैसे ही लेकर के आएंगे तुरंत के तुरंत जो होता है पैसा पकड़ा जाएगा और इनके ऊपर केस लग जाएगा। तो इसी बी के थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए, पी नोट के जरिए वोडाफोन की कंपनी में ये पूरा पैसा वापस आ जाता है, टैक्स ट्रॉलिंग कर ली जाती है, टैक्स वापस से आ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फंडा होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का। पी नोट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग ओवरसीज मार्केट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे पी नोट के बारे में। बाकी छोटा सा आइडिया आपको दे दिया है कि किस तरीके से, यानी ये क्या हो गया ऑफशोर होती है, तो क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर बीच में क्या है, ओशियन है, सी है, तो यानी क्या हुआ ऑफशोर, एक तरीके का ऑफशोर नोट होता है, ऑफशोर तरीका होता है, ऑफशोर मेथड होता है पैसा लेके आने का। क्लियर। इसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स अवॉइडेंस के रूल मतलब की निकाले हुए हैं, तरीके निकाले हुए हैं, जैसे एक है जिसका नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड
फॉरेन इनकम एंड असेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स लॉ जो 2015 में निकाली गई थी, जिसके जरिए आप अपना टैक्स मतलब अपने ब्लैक मनी जो होती है वो अनाउंस कर दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ उस पर टैक्स लगाएगी, टैक्स के अलावा कुछ सरचार्ज वगैरह लगाएगी और अल्टीमेटली आपको फिर एग्जेम्प्ट कर देगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 भी निकाला हुआ है, जिसमें कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन होती है। बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होती है सुनिए ध्यान से, बेनामी ट्रांजेक्शन जैसे मान लीजिए कि ये मैं हूं, ठीक है, मान लेते हैं मैं करोड़ों का आदमी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़पति हूं मैं, करोड़ ऑफ द रूपी आई हैव, लेकिन क्या है अब मेरे पास क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर्टी टैक्स मतलब प्रॉपर्टी की एक सीलिंग लगा के रखी है कि 12 एकड़ से ज्यादा जमीन मैं नहीं खरीद सकता हूं, लेकिन मेरा पैसा पड़ा हुआ है, अब इसको कहीं ना कहीं तो यार लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये पूरी ब्लैक मनी है, अब इसके पैसे इस अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट मैं करूंगा तो अगर मान लीजिए यहां पे करूंगा तब तो प्रॉपर्टी के सीलिंग के अगेंस्ट चला जाएगा, तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ लोगों को पकड़ूंगा और कहूंगा बेटा ऐसा है आ जाओ, तुम्हारा नाम मैं यूज करना चाहता हूं, तुम्हारे नाम पे मैं जमीन लेना चाहता हूं, और उसके बदले में आप लोग को एक सैलरी मिलेगी मंथली, सैलरी मिलेगी मंथली, सैलरी मिलेगी मंथली। तो ये जो 12 एकड़ एक आदमी के खिलाफ में था, अब ये 12 एकड़ इसके साथ चला गया, 12 एकड़ इसके साथ चला गया, 12 एकड़ इसके साथ भी चला गया। मान लेते हैं 12 एकड़ की कीमत जो होती है 40 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए इसके पास भी चला गया, 40 लाख इसके भी पास, 40 लाख इसके पास, लेकिन इस पेपर जो भी पेपर है सारा पेपर रखा गया है इस बंदे के पास, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ओनर तो यही है, बस नाम इन लोगों का रख दिया गया है। तो बेसिकली जहां पर भी नाम दूसरे का यूज किया जाता है लेकिन ओनर कोई थर्ड पार्टी ही होता है, और इस तरीके से जो अमाउंट है, जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उसका डाइवर्जन किया जाता है, इस तरीके के ट्रांजेक्शन को बोला जाता है बेनामी ट्रांजेक्शन। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो ओनर है वो एक्चुअल ओनर है ही नहीं, जो ओनर है वो बेनाम है, ये बंदा बेनाम है। क्लियर हो गया बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होती है, तो ये भी लगाया गया। इसके अलावा जो होती है कोटिंग द पैन मैंडेटरी फॉर सेल और परचेज ऑफ एनी गुड एवप 2 लाख, तो 2 लाख से ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है तो आपको पैन कार्ड मस्ट कर दिया गया है। पैन कार्ड के जरिए आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, और अब तो पैन कार्ड को आधार के साथ भी लिंक कर दिया गया है, तो और मतलब दुनिया भर के आप जितना जो कुछ भी आपने किया है सारा का सारा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में रिकॉर्ड जा चुका है। इसके अलावा प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद फॉरेन गवर्नमेंट्स टू एनहांस द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर टैक्स ट्रीटीज, तो जितनी भी टैक्स वगैरह हो सकती है, जो भी अवॉइडेंस हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स ट्रीटी कर लिया अलग अलग गवर्नमेंट के साथ में, और इस तरीके से भी टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है। इंडिया ज्वाइंट अ ग्रुप ऑफ 48 कंट्रीज एज अर्ली एडॉप्टर्स टू न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमेटिकली एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 2017, तो ये भी अगेन जो होता है दोनों गवर्नमेंट आपस में मिलकर के काम कर रही है। जैसे क्या होती है, एक होती है FATCA फेटका, ये US गवर्नमेंट का है, जहां पर भी फाइनेंशियल एंटी अवॉइडेंस रूल होती है तो वो फेटका जो है वो US की गवर्नमेंट चेक कर रही होती है कि भाई जैसे क्या है कि हमारे पास ब्लैक मनी है, हम लोगों ने ब्लैक मनी का एक एक्ट निकाल के रखा हुआ है, सेम वही फेटका होता है जहां पे US की गवर्नमेंट बाकी के जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ में ये एग्रीमेंट साइन करके रखती है और कहती है कि हमारे US सिटीजन जहां जहां पर भी जाएंगे उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे बता देना इस एग्रीमेंट के जरिए। बाकी के क्या होते हैं फटका, सब जिसने जिसने साइन किया हुआ है, US की गवर्नमेंट जब भी उनकी अकाउंट डिटेल मांगती है तो इनको देना पड़ जाता है। तो दिस इज हाउ US गवर्नमेंट मेक श्योर कि कोई भी बंदा ब्लैक मनी हमारे कंट्री की न चुरा पाए, हमारा कोई भी टैक्स खत्म ना कर सके, और यह दिखाता है कि US गवर्नमेंट कितनी ज्यादा कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, कितनी ज्यादा कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है। क्लियर हो गया, तो ये होता है फेटका। फेटका भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया आता है कि ये क्या है, तो आप बता देंगे दिस इज अ टैक्स एग्रीमेंट विद द अदर नेशंस ऑफ द US गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद से कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक होता है जिसको टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं। टैक्स इंसिडेंस का मतलब क्या है, टैक्स इंसिडेंस का मतलब यही है कि जो भी जिसके ऊपर भी टैक्स वगैरह लगाया जाता है वो हो जाता है टैक्स एग्जेम्पशन, मतलब इंसिडेंस मतलब कि एंटिटी ऑन होम टैक्स इज इम्पोज। दूसरा होता है टैक्स बर्डन, जो भी टैक्स पे कर रहा होता है उसके ऊपर में एक बर्डन होता है, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग टैक्स बर्डन। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होती है, आप जरा टैक्स एक्सपेंडिचर सुन लीजिए का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स कलेक्ट करना था, सपोज अलग अलग मेथड के जरिए, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं, इस टैक्स को कलेक्ट करना जो था वो मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ जो है वो टैक्स कलेक्ट करना था।
लेकिन टैक्स कलेक्ट करने में क्या होगा, बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं, नहीं देंगे, तामझाम बहुत करते हैं, उनके साथ में निगोशिएशन करना पड़ता है। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा अगर 1 लाख रुपए बन रहा है तो तुम 70,000 ही दे दो, 80,000 ही दे दो, तो निगोशिएशन करना पड़ता है। कंपनीज के साथ में तो काफी ज्यादा निगोशिएशन करना होता है, जैसे एपीएस को हम लोग देखे ही थे, तो निगोशिएशन करना होता है। तो निगोशिएशन करने के दौरान में जितना भी एग्जेम्पशन, जो भी सब्सिडी, जो भी पैसा छोड़ा जाता है, वो चला जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर में। क्लियर हो गया? तो बेसिकली क्या है, टैक्स कलेक्शन करने में जितना पैसा चला गया, मतलब कि टैक्स कलेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, टैक्स इनकम, जितना टैक्स आना था माइनस जो भी एग्जेम्पशन दे दिया गया वो चला गया, मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, टैक्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कलेक्शन करने में जो भी पैसे खर्च हो जाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग टैक्स एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जेम्पशन एंड कंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट होता है टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब यही है कि जिसके अंडर में जो लोग भी आएंगे उनसे टैक्स इंपोज किया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज इंपोज्ड, इसी को बोलते हैं टैक्स बेस। टैक्स बायंसी क्या होती है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की इनकम जो होती है 1,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ है, और इस 1,000 रुपीज के बेसिस पे ये जो टैक्स देता है वो 10 रुपए देता है। क्यों? क्योंकि अभी ये, मतलब मान लेते हैं कि 10% टैक्स ब्रैकेट में है। या थोड़ा सा और ब्रॉड पिक्चर देखिए, मान लेते हैं किसी की इनकम, ये हम लोगों ने टैक्स बेस बना के रखा है, जिसकी इनकम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है वो 10% टैक्स देगा, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है वो 20% टैक्स देगा, और जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, या एक काम कर लेते हैं, हाँ 10 लाख है, 10 लाख के अराउंड में, चलिए ठीक है, 10 लाख से जिसकी भी ऊपर हो जाएगी वो 30% टैक्स देगा, या 20 लाख है उसकी जो है वो 30% देगा। क्लियर? यानी ये वाला क्या हो गया, 10 लाख से 20 लाख के बीच का, ये हो गया 10 लाख से कम का, ठीक है, और ये हो गया 20 लाख या उससे ऊपर का। अब मान लेते हैं ये बंदा 1,000 नहीं, इसकी जो इनकम है मान लेते हैं कि वो 5 लाख रुपए, एक काम करते हैं 6 लाख रुपए है इसकी इनकम है, 6 लाख रुपए, तो यहां पर ये 10 लाख होना चाहिए, तो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए यानी कितना देगा वो, 10% देगा, तो 10% अपना वो दे दे रहा है, यानी कि 60,000 रुपए वो अपना दे दे रहा है, ठीक है, 60,000 रुपए अपना टैक्स में दे दे रहा है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी 7th पे कमीशन लगाई, 7th पे कमीशन, और 7th पे कमीशन में इसकी जो इनकम है वो बढ़ करके चली जाती है 12 लाख रुपए, 12 लाख पे, यानी कि इसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20%, यानी 20% का मतलब कितना हो गया, 2,40,000 रुपए इनको टैक्स देना पड़ जाएगा, यानी कि कितना ये बढ़ा, 6 लाख रुपए बढ़ गया, 6 लाख बढ़ने के कारण से जो टोटल टैक्स में कितना बढ़ोतरी हो गई, टैक्स में बढ़ोतरी हो गई 1,80,000 की। तो 1,80,000 बटे 6 लाख, इसी को बोलते हैं टैक्स बायंसी। क्लियर? मतलब परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्स बायंसी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 30% टैक्स बायंसी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है ये भी देख लीजिए। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब जैसे दो चीज होती है, एक नॉर्मल टर्म में होती है और एक होती है टैक्स के टर्म में। तो जो नॉर्मल टर्म में होती है, नॉर्मल टर्म ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट जो होती है पैसा लुटा रही होती है। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट किया गया था हमारे उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी भत्ता में क्या था कि जो लोग भी ग्रेजुएट है और 26 साल से ऊपर के लोग हैं उनको मंथली एक, मतलब इनकम मिल रही होती थी, मंथली पैसा मिल रहा होता था। या 2 साल पहले एक टर्म था UIB, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें क्या था, एक कुछ 1,000 रुपए, 1,200 रुपए इस तरह से प्लान किया जा रहा था कि हर एक व्यक्ति को दिया जाए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे कि सारी सब्सिडी हटा दी जाएगी और उसी के बेसिस पे सब लोग अपना अपना खर्चा वगैरह निकाल रहे होंगे। तो इस पे क्या है, गवर्नमेंट ने कोई काम, कोई बंदे ने काम तो किया नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स, मतलब कि डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके की चीजों को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरा होता है जहां पर टैक्स के केस में होता है। तो टैक्स के केस में होता क्या है कि इट इज द सेटिंग ऑफ द प्राइस फॉर गुड्स और सर्विस सोल्ड बिटवीन कंट्रोल्ड और रिलेटेड लीगल एंटिटी बिटवीन एन एंटरप्राइज। एक ही एंटरप्राइज, एक ही कंपनी, एक ही सेक्टर के बीच में जब कोई चीज आपस में ट्रांसफर हो रही होती है, जैसे कंपनी और सब्सिडियरी के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग। जैसे गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में होता है, वैसे ही कंपनी और सब्सिडियरी के बीच में हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग। इस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है सेस। अब देखिए टैक्स में ही कई सारी चीजें होती है।
टैक्स में क्या है कि आपने क्या कर दिया, जीएसटी दे दिया था, ठीक है, जीएसटी में भी आपने सीजीएसटी दे दिया, एसजीएसटी दे दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब भी कोई लग्जरी आइटम होता है तो इसके ऊपर में एक सरचार्ज लगता है, और जब भी एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसको बोला जाता है सेस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई इनकम हुई, कोई आइटम आपने खरीदा 1000 रुपए का था, और ये 1000 रुपए वाला चीज मान लेते हैं कि 12% जीएसटी में आती है, तो 6% सीजीएसटी लग जाएगी, 6% एसजीएसटी लग जाएगी, यानी कि 60 रुपए लग गया है इसका सीजीएसटी, 60 रुपए लग गया है इसका एसजीएसटी, टोटल कितना टैक्स हो गया, 120 रुपए, क्लियर। सरचार्ज क्या होती है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी ये टैक्स बैठा, इस पर 5% मान लेते हैं कि सरचार्ज लगना है, यानी 120 रुपए का अब 5% जो होगा वो निकल जाएगा सरचार्ज के फॉर्मेट में, तो कितना हो गया ये 6 रुपए, ठीक है। सेस क्या होता है, सेस अगेन जो होती है एक तरीके का सरचार्ज होता है, जो अगेन सेस भी, यानी क्या हो गया, टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज टैक्स, अब इस पे जब टैक्स इंपोज किया जाएगा तो इसको बुलाएगा सेस, या फिर मतलब सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन जब ये सरचार्ज किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हो जाता है, स्पेसिफिक काम के लिए हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेस, मतलब कि जो भी पैसा यहां से उठाया जाएगा, रेस किया जाएगा, वो सारा का सारा केवल उसी काम के लिए यूज किया जाएगा, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जिसमें 4% लगता है, तो ये एजुकेशन और हेल्थ सेस जो है केवल और केवल एजुकेशन और हेल्थ के ही काम में जाएगा। कृषि कल्याण सेस केवल और केवल कृषि के कल्याण के लिए लिया जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारा सेस सरचार्ज का, समझ में आ गया। तो सेस का मतलब टैक्स और एडिशनल लेवी ऑन टैक्स, यानी टैक्स ऑन टैक्स, इट इज इम्पोज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूज्ड फॉर डेजिग्नेटेड एंड्स ओनली, जैसे एजुकेशन सेस, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए जैसे सरचार्ज के बारे में है, टैक्स और एडिशनल लेवी ऑन टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्स, इट इज इम्पोज्ड फॉर जनरल पर्पस एंड कैन बी यूज फॉर दैट एनी पर्पस, किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है, ये भी देख लीजिए लास्ट टर्म, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टैक्स रेट और एक्सटेंशन ऑफ कवरेज, तो मतलब कि जब भी टैक्स रेट को चेंज करते हैं तो उसके कारण से कितना आपका रिवेन्यू चेंज हो गया, मतलब कि क्या चीज है। जैसे हम लोगों ने ये बैरियर लिया था जहां पे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 10 से कम, 10 से 20 के बीच में और 20 से 30 के बीच में, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये चीज आपने स्ट्रेस करके 5 लाख केवल कर दी, 5 लाख, 10 लाख और ये 20 लाख, तो आपने क्या किया है, जो 10 लाख वाली चीज थी उसको 5 लाख पे ले आ दिया, यानी 5 से 10 वाला बंदा भी अब क्या होगा, पैसा देना शुरू कर देगा अलग लेवल पे, क्यों, क्योंकि उसका टैक्स बेस बढ़ गया है। तो इस टैक्स बेस के बढ़ने के कारण से जो भी टैक्स रिवेन्यू, जो भी टैक्स कलेक्शन में जितना पैसा भी एक्स्ट्रा आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, टैक्स इलास्टिसिटी। ये निगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। अगर टैक्स बेस कम हो जाता है, जैसे क्या होता है, कम करने से ज्यादा लोग टैक्स देना शुरू कर देते हैं और इसके जरिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो जाता है, तो इस तरीके से टैक्स इलास्टिसिटी बढ़ाई जा सकती है। क्लियर हो गया क्या है टैक्स इलास्टिसिटी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है, टोबिन टैक्स का मतलब होता है जब भी एक्सचेंज रेट में कोई काम करना होता है, मतलब कि जब भी कोई फॉरेक्स में काम कर रहा होता है, फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये टोबिन टैक्स लगता है। ये हमारे टोबिन साहब थे जिन्होंने प्रपोज किया था, उतना कुछ खास है नहीं तो इसलिए मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा फॉरेन एक्सचेंज में इसका यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट होती है जो पिगोवियन टैक्स लगती है। पिगोवियन टैक्स क्या होती है, जब भी कोई निगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे आपको टैक्स लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सिगरेट्स। सिगरेट में क्या होता है कि जो बंदा पी रहा है वो बंदा मतलब अपना हेल्थ तो खराब कर ही रहा है, लेकिन क्या है वो इन्वायरमेंट भी खराब कर रहा है और थर्ड पर्सन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस वजह से इनके ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है पिगोवियन टैक्स। क्यों, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट को खराब किया। सिमिलरली क्या होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल होती है, पॉल्यूशन पीयूसी होता है ना, पॉल्यूशन के लिए आपको लाइसेंस लेनी होती है, अगेन दिस इज पिगोवियन टैक्स। क्यों, क्योंकि यू आर डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं खराब हो रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही होती है। नेक्स्ट होती है पोयम। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये होती है जो अलग अलग कंपनी अपनी अपनी शेल कंपनी या सब्सिडियरी खोल के रखी रहती है, उनके ऊपर में एक टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था वोडाफोन का केस, वोडाफोन ने अपनी अपनी सब्सिडियरी लगा के रखी थी, वोडाफोन या अमेजन ने अपनी अपनी सब्सिडियरी लगा के रखी थी, तो इनके ऊपर में एक पोयम टैक्स लगाता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग करने के लिए एक टैक्स लग जाती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिन टैक्स। सिन टैक्स का मतलब यही होता है कि जब भी कोई खराब चीज होती है, जैसे अल्कोहल हो गया
या कोई भी इस तरीके की चीज होती है जो अच्छी नहीं होती है, टोबैको हो गया, ड्रग्स हो गई, तो इन सब चीजों पे सिन टैक्स लगती है जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। इसके बाद होता है फैट टैक्स। फैट टैक्स का मतलब क्या होता है, अभी जैसे केरला गवर्नमेंट ने इस चीज को इम्पोज किया और सिंगापुर ने भी इम्पोज किया हुआ है, जैसे मान लेते हैं पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जितने भी फास्ट फूड होते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो केरला गवर्नमेंट ने या बाकी गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार एक काम करते हैं इसको महंगा कर देते हैं। महंगा करने से क्या होगा, केवल और केवल कुछ लोग ही, कुछ सेक्शन के लोग ही इसको खरीद पाएंगे और इस तरीके से हम लोग इस पिज्जा फूड जो फास्ट फूड है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने फैट टैक्स एक इंट्रोड्यूस कर दिया और इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम हो जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट छोटी छोटी चीजें, एक चीज हम लोगों ने नहीं देखी है, इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आप लोग को बोला था। यहां पर देखिए एक बार वापस चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। देखिए यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे फ्रिंज टैक्स हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो गया। यहां पर हम लोगों ने मिनिमम अल्टरनेट देख लिया, जीएसटी देख लिया, बट बाकी चीजें नहीं देखी है। तो अब जरा देखना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कंपनी है, कंपनी कंपनी में बहुत सारी इंप्लॉइज होते हैं, तो अलग अलग इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज, ठीक है, ये हमारे सारे इंप्लॉइज हैं। अब क्या है, कंपनी अपना एक कॉर्पोरेट टैक्स दे रही होती है, कॉर्पोरेट टैक्स, जैसा कि जितने इंप्लॉय होंगे अपनी इनकम का एक टैक्स दे रहे होंगे क्योंकि ये लोगों ने काम किया हुआ है। क्लियर? ये कंपनी क्या कर रही है, बहुत सारे फैसिलिटीज को यूज कर रही है जो गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है उसको यूज कर रही है और उसके हिसाब से इंप्लॉय को रख रही है, इंप्लॉयज को रख रही है। तो इसके लिए क्या है कि इनको जितने इंप्लॉय रखे हैं उस इंप्लॉय पर भी इनको टैक्स देना होता है। इस टैक्स को बोला था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जितना भी इन लोगों ने, इस कंपनी ने जितने भी, मतलब कह लीजिए कि इंप्लॉय को इनकम दी है, इस इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के फॉर्मेट में देना होता है। क्लियर हो गया? यानी कि कंपनी है, कंपनी अपना एक जो प्रॉफिट कमा रही है उसका प्रॉफिट का एक कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है, ठीक है, और इस कॉर्पोरेट टैक्स, अब इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे इंप्लॉयज हैं, इंप्लॉयज को ये लोग इनकम दे रहे हैं, इस इनकम पे इनको एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये तरीका होता है जहां पर ये सिस्टम ले रहे होते हैं। अब कंपनी क्या है कि कंपनी की बहुत सारी सब्सिडियरीज भी हैं, सब्सिडियरीज हैं, तो इन सब्सिडियरी, ये भी सब्सिडियरी अपना अपना यूज कर रही है, तरीका अपना रही है, तो इन सब्सिडियरी के कारण से इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है जिसको बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। कि आपके पास फ्रिंजिंग बहुत सारी हो रखी है, तरीके बहुत हो रखे हैं, तो हमको भी थोड़ा तरीके में से कुछ चढ़ाइए, तो ये होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी पर 10 तरीके के टैक्स लग रहे हैं, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये होता है जो सब्सिडियरी पे लगता है, मतलब सब्सिडियरी होने पे लगता है, ये इंप्लॉई होने के कारण से लगता है। क्लियर हो गया? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं पहले, फिलहाल ये समझ में आ गया क्या चीज है। अब जरा आते हैं हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है रेलिगेयर, ठीक है, या शेयर खान या कार्बी, बहुत सारी होती हैं जो शेयर ट्रेडिंग कर रही होती हैं। शेयर ट्रेडिंग करने में क्या होता है, ये हमारा ब्रोकर है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, यू आर सेलिंग। आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर ब्रोकर का यूज कर रहे हैं और ब्रोकर के थ्रू आप अपना खरीद परचेज और ये सब कर रहे हैं, तो जितने भी शेयर आपने परचेज किया, जो कुछ भी किए, उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है ट्रांजेक्शन पे। और इस सिक्योरिटी, चूंकि आप सिक्योरिटी यहां पर खरीद रहे हैं, तो इस सिक्योरिटी पे आपको टैक्स देना पड़ता है और इसी को बोलता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये कंपनी रेलगेयर कंपनी ब्रोकर को रखी है, इसलिए क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर रही होगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम देखा, पूरी की पूरी चीजें देखी, टैक्स का कल्चर देखा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम बॉक्स में, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप अपने उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क डाउट्स देयर, और इस तरीके से हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।